इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फ़ोन के अंदर एडिटिव साउंड के बारे में। एडिटिव साउंड हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, कहां पर ये फीचर हमें देखने के लिए मिलता है हमारे इस फ़ोन के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूं और इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, एक दो चीज़ यहां पर इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप इसको इनेबल करें तो अपने माइक्रोफोन को जो है ब्लॉक मत रखिएगा, वरना इसका आधा इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही करना है एंड उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमें इसको इनेबल डिसेबल कहाँ से कर सकते हैं एंड इसका काम क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फीचर को हम फाइंड कर लेते हैं कि है कहाँ पर ये। तो जैसे हम यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हम नीचे की ओर जाते हैं और हमें दिखाई दे जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन पर जैसे ही जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे तो एडिप्टिव साउंड हमें मिल जाता है। तो जैसे इसको खोलते हैं, यहाँ से ये इनेबल होने के लिए आ जाता है। अब ये करता क्या है फीचर, देखिए, इम्प्रेसिव साउंड करता है। वैसे साउंड की क्वालिटी को बढ़ाता है और हमारे जो फ़ोन स्पीकर रहते हैं उनको भी यहाँ पर ये थोड़ा क्वालिटी बेटर करता है, ठीक है। माइक्रोफोन जो एक्सेस है उसको भी यहाँ पर बेहतर करता है एंड जो हमारा इक्वलाइजर होता है हमारे सॉन्ग के लिए, वो आपके इन्वायरमेंटल के द्वारा एडिटिव करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ये अलग अलग साउंड दिखाई दे रहे होंगे, सोते टाइम एंड किचन के टाइम एंड इस तरीके से वाशरूम के टाइम अलग अलग यहाँ पर इक्वलाइज़र लग जाते हैं। तो इसलिए आप इसको इनेबल कर सकते हैं अगर आप अलग अलग साउंड या एडेप्टिव इम्प्रेसिव साउंड सुनते हैं तो आप अलग अलग लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको भी रहने दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी अगर यहाँ पर आपको समझ में आया हो फीचर और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।